तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं हरियाणा विधानसभा सत्र की, जहां कार्रवाई के दौरान आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष को कई मुद्दों पर वार पलटवार करते हुए देखा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब माहौल तनावपूर्ण नहीं सायराना हो जाता है और सदन में नेता एक दूसरे पर सायराना अंदाज में शेर और शायरी करते हैं। हाँ? यार तू नेताजी की शायरी सुनाने लग रहा है, उससे पहला मैं तना अपनी सुनाऊंगी शेर और शायरी। अरे नहीं नहीं विकास भाई, पहले नेताजी की सुन लीजिए। हाँ ठीक है। हर बात में नुक्स नहीं बताया करते, हर बात में नुक्स नहीं बताया करते, बूंद को समंदर नहीं जताया करते। उड़ना कब आता है पतंग उड़ाने वालों को, शेर को खरगोश आंख नहीं दिखाया करते, शेर को खरगोश आंख नहीं दिखाया करते। मेरी खामोशी की जरा लिहाज रखो, लफ्ज बर्दाश्त नहीं होंगे, समझे। मिलकर बैठ गए मजलिस में जुगनू सारे और ऐलान हुआ कि सूरज को बदला जाएगा। रोशनी यही है तो ये बदनसीब शहर ही तेरा मुकद्दर लगे है मुझे। क्या बात है, बुलंदी देर तक जिस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। क्या बात है, क्या बात है, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारता। वाह नेताजी बहुत खूब, मजा आ गया। क्यों आया ना मजा विकास भाई? हाँ भाई कति आ गया, तू मेरी शायरी भी सुन ले। अरे रुको रुको विकास भाई, अभी और सुन लीजिए नेताजी की शायरी। अच्छा अच्छा। ख्वाहिशों के बोझ से बशर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। हजार बिजली गिरे है? लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। कायनात की मूरत बेच देते हैं, जन्नत की सूरत बेच देते हैं, अरे ये बल्लभ ट्यूबलाइट बेचने से क्या होगा, झूठी बेचना है तो सीधा सूरज बेच दे। मुझे खुशी है एक बात पर कि तुम्हें एतबार नहीं मुझ पर, हमें तो अपने अवाम के हर शख्स का ख्याल है, तुम्हें अपने परिवार से मतलब है बस, और मलाल ये है कि मुझे हर गरीब का ख्याल है, हर गरीब का ख्याल। वाह नेताजी बहुत खूब, के शेरो शायरी मारी से मजा आ गया एकदम। क्यों विकास भाई आया मजा? भाई कते आ गया मजा, जी आ गया, इतू मेरी शेर शायरी भी सुन ले। अरे रुको ना थोड़ी देर, एक और सुन लीजिए। ठीक से। जहां सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच में सायराना अंदाज देखने को मिला, तो वहीं नेताओं ने अहमद फराज और फैज अहमद की शायरियां भी खूब सुनाई। लेकिन कहीं कहीं हरियाणा के सीएम को विपक्ष का जो सायराना अंदाज था वो पसंद नहीं आया। सूरज ने अकड़ के कहा है कोई मेरा जैसा, एक नन्ना सा दिया बोला, एक नन्ना सा दिया बोला कि जब शाम होगी तब देखेंगे। वफा याद नहीं हमें, जफा याद नहीं, दो ही तराने हैं, एक आपको याद नहीं एक हमें याद नहीं। क्या बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहे। नहीं जम रहे आपके शादी करने आए हो आप, चुप करोगे जवाब देने आए हो। आंखों को मूंद लेने से, आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। महफिल में चल रही थी मेरी कत्ल की तैयारी, चर्चा करते करते बोले बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। क्यों विकास भाई आया ना मजा? कभी आ गया भाई, जी से आ गया। बाकी ये तो मैं तनावड़ी शेरो शायरी सुना दूं। अरे रहने दीजिए विकास भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? क्या कह रहा है बोली? अरे ठीक, अगर नहीं रुका जा रहा तो सुना दीजिए। हाँ या भाई ना बात सुनते फिर सुनाइए। मेरा दल लेगी, हाँ? मेरा चैन भी लेगी, हद तक तब होगी जब वह झकोण मेरे 5 रुपया का पेन भी लेगी। वाह क्यों, इससे वाहिया शायरी मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी। खैर हरियाणा विधानसभा में भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से शेर और शायरी का दौर चला हो, लेकिन कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने कहा कि सत्ता पक्ष जो है वो केवल दोहे और कविता सुनाते रहे। कविताएं नहीं चाहिए हमें, दोहे सुनाने लग जाते हैं। भाई शेर और शायरी तो दोनों ने सुनाई, सत्ता पक्ष वाला ने भी और विपक्ष वाला ने भी। पर भाई मन लग गया विपक्ष वाला की शेर और शायरी थोड़ी हल्की पड़ गई और सत्ता पक्ष वाला की आवी जाए थे विपक्ष वाला के मलहल से। बिल्कुल। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी भी सुनने को मिली है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कैथल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बड़ी घोषणा करते हुए लोकसभा चुनाव के आगाज के संकेत दिए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता कमर कस लें, 10 मार्च को चुनाव की घोषणा हो सकती है। परिश्रम करने के लिए अपनी कमर कस लें, लोकसभा का कभी भी 10 मार्च के आसपास घोषणा हो सकती है। अच्छा है,
अरे आ लिए भाई आ लिए, अरे आ लिए भाई आ लिए, अरे आ लिए चुनाव आ लिए।